वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम सॉरी मैं वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरी कॉर्पोरेट मीटिंग थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन मार्केट में। अमेरिकन मार्केट में एक अच्छा सेशन देखने को मिल रहा है। अभी भी जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डाउ जोन्स प्लस में है, 200 पॉइंट प्लस में है, 225, और एक टाइम पर ये 300 पॉइंट प्लस में था और ये बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। और नेस्डेक भी एक टाइम पर 150 पॉइंट माइनस में था लेकिन वहां से शार्प बाउंस आया है और अभी वो भी प्लस में चल रहा है। और दूसरा पॉजिटिव ये है कि इंफोसिस कंपनी का एडीआर एक टाइम पर 7% माइनस में था, अभी के टाइम पर वो फ्लैट हो चुका है, अराउंड 1% माइनस में रह गया है इंफोसिस का एडीआर। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इंफोसिस की। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि इंफोसिस की बात की थी मैंने और इंफोसिस का आपसे कुछ भी स्ट्रेटेजी मैंने शेयर नहीं किया। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन था, वो रीजन था एक्सपीरियंस, जो मैं बार बार बोलता हूं कि ये एक्सपीरियंस यूनिक है, ये एक्सपीरियंस डीपली है, ये एक्सपीरियंस डिफरेंट है। लॉजिक आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों स्ट्रेटेजी नहीं बनाई इंफोसिस में, क्योंकि एक कॉमन सोच को मार्केट कभी भी रिवॉर्ड्स नहीं करता है। मार्केट में कॉमन सोच बन चुकी थी कि इंफोसिस का 20 पॉइंट्स ऊपर का कॉल और 20 पॉइंट नीचे का पुट बाय कर लीजिए, दोनों साइड का प्रीमियम। मैंने भी कैलकुलेट किया, मैंने भी कैलकुलेशन करी प्रीमियम की कि बाइंग का प्रीमियम बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन मेरी प्रीमियम कैलकुलेशन उसमें फिट नहीं बैठी जिसकी वजह से मैंने पोजिशन नहीं बनाई। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि जितना भी मेरे व्यूवर्स से या मेरे जो फैमिली कल वो ऑफिस कलीग हैं या जितने भी क्लाइंट से बात हुई, तो नॉर्मल सबकी एक पोजीशन बन रही थी कि हर कोई 40 का कॉल बाय कर रहा था और 1440 का कॉल बाय कर रहा था और 1400 का पुट बाय कर रहा था, जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 70 रुपीज आ रहा था। उस 70 रुपीज जस्टिफाइड नहीं था मेरी प्रीमियम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। आज उन लोगों को उन क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा जो निगेटिव क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि इसमें क्या रखा है, एक कॉल बाय कर लो, एक पुट बाय कर लो, वो तो कोई भी कर सकता है। इसका आंसर कल सुबह आपको मिलने वाला है जब उसका प्रीमियम डीके होगा दोनों साइड कॉल का प्रीमियम भी डीके होने वाला है और पुट का प्रीमियम भी डीके होता हुआ नजर आएगा आपको अच्छा खासा। कॉल का प्रीमियम 50% और पुट का प्रीमियम भी ऑलमोस्ट 30% साफ हो जाएगा। ये मुझे डिफरेंट करता है बाकी सबसे, ये यूनिक एक्सपीरियंस बनाता है बाकी सबसे, ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाता है बाकी सबसे। मैं बार बार बोलता हूं ये एक्सपीरियंस यूनिक है गाइज, ये एक्सपीरियंस यूनिक है और डिफरेंट। हाँ, तब क्यों नहीं करूंगा मैं अपनी तारीफ, क्यों नहीं बात करूंगा मैं अपने बारे में, क्योंकि जब लगा प्रीमियम कैलकुलेशन बाइंग का नहीं है तब आपको बताया कि बाइंग का नहीं है, जब लगा प्रीमियम बाइंग का है तब आपको बताया प्रीमियम बाइंग का है। और मेनी टाइम मैंने बचाया एज ए ऑप्शन बायर, आपका दिन नहीं है, एक यूट्यूबर उठा के दिखा दो, एक टीवी एनालिस्ट या कोई ऐसी रिसर्च कंपनी हो आपके पास जो ये बोल सकती हो कि हाँ कल ऑप्शन बायर का दिन नहीं है। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 6 to 7 टाइम बोला कि एज ए ऑप्शन बायर मार्केट से आपको दूर रहना है और हर बार यही सही हुआ। अगर आप उस टाइम ऑप्शन बाय करते तो आप पॉकेट से पैसा देकर जाते मार्केट को। बात करने वाला हूं आज के बढ़िया सेशन से, एक अच्छा शानदार ट्रेड रहा आज का दिन हमारा, बहुत अच्छा रहा मेरे अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने मेहनत की, कॉल जनरेट की, ऐसे टाइम पे कॉल जनरेट की जहां पर सिर्फ बाय बाय दिख रहा था, लेकिन हमें जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ पुट की साइड में। जी हाँ, बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्टैंगर हमने बिल्डअप किया। बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस था 47,600 का कॉल और जिसका प्रीमियम हमने बाय किया था 355 रुपीज में, और दूसरा उसको हेज किया था 47,600 के पुट से जिसका प्रीमियम था 367 रुपीज। इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम का कॉस्ट हमारा 730 रुपीज था गाइस। ये प्रीमियम हमारा सोल्ड आउट हुआ है 1000 प्लस में, मैंने खुद इसमें 300 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। अगर कोई ये बोलता है कि उतना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सेकंड भी नहीं लगे इस प्रीमियम को इंक्रीज होने में और 1000 पहुंचने में। ये यूनिक स्ट्रेटेजी थी, यूनिक एक्सपीरियंस था। लॉन्ग स्ट्रैंगल के लिए काफी लोग मजाक भी बनाते लेकिन आज उनके मुंह पे एक तमाचा लगा है कि हाँ वाकई में डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर कोई बाइंग की साइड था। और ये क्यों अलग हुआ, क्यों लॉन्ग स्ट्रैंगल ही बनाया, उसके पीछे का लॉजिक था एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस था, मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी ऐसी वॉर देखी जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक भी थी, जहां पर यूक्रेन रशिया वॉर भी था, जहां पर हमास ईरान का वॉर भी था,
क्या होता है जब कहीं वॉर स्टार्ट होती है किसी भी दो कंट्रीज में, तो पहला जो आता है इम्पैक्ट वो शार्प आता है, निगेटिव आता है, लेकिन फिर उसके बाद जो न्यूज फ्लो आता है मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। अगर न्यूज फ्लो निगेटिव आता है तो निगेटिव रिएक्शन आता है वो बहुत शार्प आता है, अगर पॉजिटिव कोई आउटपुट आउटकम आता है पॉजिटिव किसी भी तरह का उन दोनों कंट्री के बीच में से, तो उसका फास्ट मूवमेंट आता है पॉजिटिव साइड। वही आज देखने को मिला क्योंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि 8 दिन के अंदर हम कुछ एक्शन लेंगे ईरान के ऊपर, 8 दिन से पहले हम कुछ नहीं लेंगे एक्शन। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद मार्केट ने इसको बहुत बड़ा निगेटिव लिया, मुश्किल से 10 मिनट्स के अंदर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट माइनस गया, क्योंकि एक टाइम पर 200 पॉइंट प्लस में था, उसके बाद डिप लगा 340 पॉइंट माइनस में गया, और उस गिरने में कॉल का प्रीमियम घटा नहीं, कॉल का प्रीमियम गिरा नहीं, और पुट का प्रीमियम मल्टीपल हो गया ऑलमोस्ट 1.8% अपना इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट टू टाइम पुट का प्रीमियम हो गया, लेकिन पुट कॉल का प्रीमियम डाउन नहीं हुआ। यही हमें डिफरेंट बनाता है। अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको रियल में पैसा बनाना है, आपको मजाक नहीं करनी है, आपको निगेटिविटी नहीं चाहिए, अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बिना किसी के सोचे एक बार ज्वाइन कीजिए अगर आपको डिफरेंट ना लगे, क्योंकि अभी तक टेलीग्राम में जितने भी ट्रेड हमने सजेस्ट किए हैं उसमें सब में प्रॉफिट हुआ है, और सिर्फ 1 से 2 बार ट्रेड हमारे रॉन्ग गए, वो भी हमारी खुद की मिस्टेक से। क्योंकि आज भी मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए थे कि प्रीमियम डीके हो गया, मैंने क्लियरली रिप्लाई किया था कि प्रीमियम डीके कितना भी हो लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन और अपने पैरामीटर से इस बार हटने वाला नहीं हूं, मैं पोजिशन कोई सी भी नहीं निकालूंगा, मैं स्ट्रिक्टली होल्ड करूंगा, और मैंने अपने पोर्टफोलियो में जो एक डैमेज लगा था पिछले ट्रेड में फ्राइडे का जो ईरान की न्यूज आई थी उसको पूरा पैचअप कर लिया है और प्रॉफिट में भी आ चुका हूं। आप लोगों को भी मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूं, गाइस ये तो स्टार्टिंग है, पिक्चर अभी बाकी है, कल का दिन आपको मिस नहीं करना है, कल का दिन आपको मिस नहीं करना है, बिलीव मी। HDFC बैंक का रिजल्ट आ रहा है सैटरडे, कल मैं आपके सामने स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, एक बात तो उनको बिल्कुल यकीन होगा कि ये कॉन्फिडेंस से बोलता है और ये सच बोलता है, ये निगेटिव नहीं बोलता है, कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जो प्रीवियस पहले मिस्टेक होती है उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, कभी भी मैं सुबह में क्या बोला और शाम को मैं डिफरेंट नहीं होता हूं, पहले पिछला पैचअप करता हूं, पिछले के बारे में डिस्कस करता हूं और फेलियर को पहले डिस्कस करता हूं। अगर आपने भी लाइफ में लॉसेस किए हैं स्टॉक मार्केट में 100% किए होंगे, जिसने लॉसेस नहीं किए वो झूठ बोल रहा है। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपको मिनट से पहले रिप्लाई करूंगा, और कोशिश कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए गाइस, गलती मत करिए। मैं यूट्यूब पर अगर कोई भी ट्रेड दूंगा वो टाइम से आपको नहीं मिलने वाला है, टेलीग्राम पे आपको टाइम से एंट्री और टाइम से एग्जिट मिलेगा, बिलीव मी गाइस, कॉन्फिडेंस दिखाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कल का ट्रेड मिस नहीं करना है। जो एग्जिस्टिंग है जितनी भी मेरी फैमिली है टेलीग्राम वाली, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कल पैसा चाहिए आपके अकाउंट में। आज भी हमने 47,000 का कॉल में बाय इनिशिएट दिया, सबसे पहले हमने 505 पर बाय दिया गाइस, विद इन 15 मिनट उसका प्राइस 585 हो गया, 585 जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया, फिर वो नीचे आया, फिर हमने उसमें बाय इनिशिएट दिया 520 पर, और कहां का कॉन्फिडेंस चाहिए, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में गाइस, बिलीव मी आने वाला टाइम आपका और हमारा है, पैसा इतना कमाएंगे कि करोड़ों तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे गाइस, मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो सब बता रहा हूं जो आने वाला टाइम में होने वाला है। एक कॉमन सोच को मार्केट कभी रिपोर्ट्स नहीं देती है, एक कॉमन सोच इलेक्शन से रिलेटेड जो बनती जा रही है कि एक कॉल बाय करेंगे एक पुट बाय करेंगे उसको भी रिपोर्ट्स नहीं मिलने वाला है, उसके लिए जुड़िए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, आपको टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे अगले 15 डेज में आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने सही एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, एक ग्रुप ज्वाइन किया है जहां पे आपको जेन्युइनली सब कुछ मिलेगा, आपको रियलाइज होगा कि वाकई में डिफरेंट है बाकी सबसे। और रही ये जो फीस की या चार्जेस की बात होती है वो तो एक ट्रेड का भी नहीं है गाइस, तो कॉन्फिडेंस दिखाइए, ज्वाइन कीजिए, अगर आपको 300 पॉइंट्स प्रॉफिट बुक करने हैं बैंक निफ्टी में तो जुड़िए हमारे साथ और कॉन्फिडेंस से चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टाइम से आपको अपडेट मिलेगा, टाइम से आपको सब कुछ मिलेगा गाइस,
डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन हम डिस्कस करते हैं यहां पर वो हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में 100% होती है, हमारे खुद के अकाउंट में 100% होती है गाइज। दूसरी बात, कल का दिन मिस नहीं करना है, कल का दिन मिस नहीं करना है, कल का दिन आपको मिस नहीं करना है। कल एनी हाउ हमें पोजीशन बनानी है। क्या ये वो टाइम हो सकता है जहां पे हमारा अमाउंट 5 times हो सकता है? ये डिपेंड करता है। बनाऊंगा बेस्ट स्ट्रेटेजी, डिस्कस करूंगा आपसे साथ में, कल मिलता हूं कल। सॉरी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई चैनल, लव यू दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।